तो चलिए आज हम आपको जो है एक नया डिज़ाइन बना करके दिखाते हैं पेपर में। इसके पहले भी आपने हमारा कई डिज़ाइन पेपर में बनते हुए देखा है, पेपर से कटिंग करने का तरीका। तो देखिए सबसे पहले एक ये है, इसको हम फोल्ड करते हैं और ये हमारा पहले से फोल्ड किया हुआ, सिर्फ इसको हम हटा करके हम दिखाते हैं। इस तरीके से आपको पहले फोल्ड करना है जैसे आपको दिखाया हमने इसमें। तो आज हम आपको फीता और ये हमारे पास देखिए एक फीता है, थ्री मेल्स का छोटा साइज वाला फीता है और ये कि माचिस है, इसी दोनों से हम आपको निशान लगा करके पेपर से आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अभी ये हम जो है हमारा ये फीता आपको इसी तरीके से हम फीता रख लेंगे जैसे देख पा रही है। ये हमारा ये लास्ट फोल्ड है, देखिए ये ऊपर वाला फोल्ड है, यानी जो लास्ट छोटा साइज का जो फोल्ड है उस जगह से हम इसको जो है 1 इंच नीचे से निशान लगाते हैं। ये देखिए ये हमारा इस तरीके का हम निशान लगा लिया फीता का, ये हो गया फीता का निशान। अब उसके बाद इस जगह से फिर लगभग जो है हम 1/2 इंच छोड़ करके निशान लगाते हैं, ये इसका माचिस का 1/2 इंच या 1/4 इंच भी छोड़ सकते हैं आप, जिस हिसाब का जगह बचे। तो ये माचिस का निशान लगाते हैं, हमारे पास माचिस है और इस कुछ और चीज़ का भी आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास माचिस था तो हम आपको माचिस का ही निशान लगा करके दिखाते हैं और इसी से हम कट कर लेंगे। ये हमारा निशान हो गया, जैसे देख पा रही है ये फीता का निशान हो गया गोल टाइप का है और ये है माचिस का निशान। और इसमें जो है हम इस जगह से फिर सीधा निशान लगा देंगे, सीधा निशान लगा देंगे तो ये जो हमारा बीच में गोल कर कट कर गोल निकल जाएगा कट करके। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसको हम कट करते हैं। ये जो पहले फीता का निशान लगा हुआ भागे नहीं, इसको अच्छे से तरीके से पकड़ लेंगे ताकि जो भी हमारा फोल्ड किया वो पेपर जो छिड़ियाए नहीं। तो देख पा रहे हैं जैसा ये हमारा वीडियो, आपको पेपर के डिज़ाइन वाला कैसा लगता है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस हम आपको जो है इससे पहले भी कई वीडियो पेपर का बना करके दे चुके हैं, तो कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। और वीडियो को जो भी देखते हैं वीडियो, तो वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को आप लाइक आप ज़रूर करके जाया कीजिए, इससे हमारा जो हौसला अफजाई होता है। लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता है, आप सिर्फ जो है एक ठो लगता है कि हम आपको जो है वीडियो बना करके दिए, तो आप हमारे वीडियो को पसंद किए तो हमारे वीडियो को आपने लाइक किया, तो लाइक करने से एक सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। जैसे देख पा रही है ये कट करके निकल गया फीते का डिज़ाइन, जैसे आपको दिखा रहे थे ये फीते का डिज़ाइन जैसे तरीके का फीता था, ये कट करके निकल गया। और माचिस को भी हटाते हैं अभी, अब ये माचिस का जो डिज़ाइन है इसको कट करके निकालते हैं। ये सीधा सिंपल है और बनने के बाद कैसा लगता है आप वो भी देखिएगा और कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया पसंद। ये माचिस और इसका डिज़ाइन, फीता का डिज़ाइन और माचिस का डिज़ाइन, ये हम कट करके निकाल देते हैं, ये निकल गया। और ये बीच का जो छोटा साइज का बचा है इसको हम सीधा सीधा काट देंगे तो हमारा जो है नीचे से गोल निकल जाएगा, ये इसको हम सीधा सीधा काट दिया। तो देखिए ये किस तरीके का कट करके निकला, हमने इसको सीधा काट दिया, ये माचिस का हो गया और ये फीता का निशान हो गया। तो माचिस का देखिए कि अब ये इस तरीके कट करके निकला और ये फीता वाला जो है ये इस तरीके का कट करके निकला, इसलिए देख रहे फीता का डिजाइन एक माचिस का, तो आप दोनों देख लीजिए। और नीचे का जो है ये इसको हमने सीधा सिंपल कट कर कर हटा दिया इसको। अब इसको आप हम इसको जो है अब हम खोल करके आपको दिखाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारा वीडियो या डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देख लीजिए इस तरीके का बन करके निकला है ये हमारा पेपर, यानी फीता और माचिस का डिज़ाइन। तो देख लीजिए आपकी ये पसंद आया, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो उसमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये पेपर वाला डिज़ाइन आपको, फीता और ये माचिस का डिज़ाइन। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल पर नए हैं तो। और ये हमारा जो आपको आवाज़ लग रहा, तो ये इसमें जो है हमने ये एक माइक लिया था, तो ये माइक जो है बहुत कीमती है और ये ग्रेनारो का माइक है, 1700 रुपये का माइक है ये। तो इसका आवाज़ आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताइएगा, ये इस माइक से जो हमने रिकॉर्ड किया है। तो इसके पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया और इसमें कई कई वीडियो में रिकॉर्ड किया, किसी किसी में नहीं किया है,
तो ये आवाज़ आपको कैसा लगता इस माइक से जो हमने रिकॉर्ड किया, इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना सवाल कुछ भी हो मकान बनाने से संबंधित भी, इसके अलावा भी, तो भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग अभी तक देख चुके हैं और इतना देख चुके हैं, आप लाइक नहीं किए तो लाइक आप ज़रूर करके जाइएगा।